नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी विषय में श्यामपट्ट कौशल किस प्रकार से बनाएं, श्यामपट्ट कौशल बनाते समय क्या क्या सावधानी रखें और श्यामपट्ट कौशल प्रस्तुत करते समय भी क्या क्या सावधानी रखें। तो संपूर्ण श्यामपट्ट कौशल के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले यदि हम श्यामपट्ट कौशल की बात करें तो श्यामपट्ट कौशल भी माइक्रो टीचिंग का ही एक भाग होता है। माइक्रो टीचिंग के अंदर जो भाग होते हैं, टोटल 5 भाग होते हैं। तो सबसे पहला भाग होता है वो होता है प्रस्तावना कौशल, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम श्यामपट्ट कौशल के बारे में चर्चा करेंगे। तो किसी भी विषय में श्यामपट्ट कौशल किस प्रकार से बनाए, तो सबसे पहले तो श्यामपट्ट कौशल में वही होती है दिनचर्या, जैसे कि जिस प्रकार से आप कक्षा में एंट्री करते हैं और गुड मॉर्निंग करते हैं। उसके बाद जो श्यामपट्ट की पूर्ति करनी होती है, जैसे सबसे पहले दिनांक लिखना होता है, उसके बाद विषय, उसके बाद कालांश, फिर नीचे कक्षा, फिर प्रकरण और फिर समयावधि। श्यामपट्ट कौशल में भी समयावधि कितनी रहती है, 5-7 मिनट ही रहती है। और जैसे मान लीजिए आपके कोई सी भी विषय है, भूगोल है या फिर हिस्ट्री है या फिर फिजिक्स है या फिर सामान्य विज्ञान है या फिर गणित है, तो उनमें किस प्रकार से आपको श्यामपट्ट कौशल का निर्माण करना। काफी साथियों के टॉपिक आते हैं हमारे पास कि सर इसमें किस प्रकार से श्यामपट्ट कौशल बनाए, तो इस वीडियो में हम बताएंगे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी टॉपिक हो, तो किस प्रकार से श्यामपट्ट कौशल आपको बनाना। जैसे मान लीजिए आपके विषय है सामान्य विज्ञान या फिर भौतिक विज्ञान और आपका टॉपिक है कार्य, तो कार्य इसके ऊपर आपको क्या बनाना है, श्यामपट्ट कौशल। तो सबसे पहले पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में क्या लिखते हैं कि बच्चों जो टॉपिक ले रहे, जैसे हमने भौतिक विज्ञान में टॉपिक ले लिया कार्य, बच्चों कार्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये हो गया पूर्व ज्ञान। इसके बाद आपको जो डायरी में बनाते हो या फिर कॉपी में बनाते हो, तो उसके उसमें भी आपको एक श्यामपट्ट चिपकाना होता है, एक ब्लैक बोर्ड आता है, ब्लैक शीट आती है, वो दुकान पर मिल जाती है आपको स्टेशनरी की दुकान पर, और स्कूल में या कॉलेज में तो आपको जो ब्लैक बोर्ड होता है उसके ऊपर प्रस्तुत करना होता है। तो कॉपी में भी या फिर डायरी में भी आपको बना के ले जाना पड़ता है, वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर बना के ले जाना पड़ता है। तो उसमें ब्लैक बोर्ड ब्लैक शीट लगा के, जैसे आपका टॉपिक है कार्य, तो कार्य के बारे में लिखना है सबसे पहले। तो कार्य की परिभाषा क्या है, जैसे कार्य की परिभाषा है किसी भी वस्तु में हम बल लगाएंगे तो जिस दिशा में वो विस्थापित होगी, बल लगाने पर वस्तु जिस दिशा में विस्थापित होगी उसको क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। कार्य एक अदिश राशि है और कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन, और कार्य को इंग्लिश में वर्क बोलते हैं, तो इसलिए इसको W से प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरह से आपको समझाना है, और चित्र से भी समझाना है आपको, जैसे कोई बॉक्स है तो उस पर बताना है कि हमने इस पर बल लगाया, F बल लगाया, तो इसकी दिशा में, इस दिशा में इसके बल लगा और यहां से लेके यहां तक इतनी दूरी इसने तय की, विस्थापित हुआ इतनी दूरी, विस्थापित हुआ यानी S दूरी, तो इसको क्या बोलते हैं, इसमें कार्य हो गया, बल गुणा विस्थापन दोनों लग गया। तो इस तरह से आपको समझाना है। जैसे मान लीजिए आपके टॉपिक मैथ में है, मैथ में आपके टॉपिक है वर्ग ले लिया आपने, तो सबसे पहले वही श्यामपट्ट पर क्या करना है, आपको वर्ग लिखना है और उसकी परिभाषा लिखनी है, और वही कि उसकी आमने सामने की भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भी होती है, और कोणों का मान कितना होता है, वो सभी चीजें बताना है। और उसके बारे में जैसे सूत्र बताने के बाद आप न्यूमेरिकल भी बता सकते हैं, एक फिजिक्स में भी बता सकते हैं न्यूमेरिकल, और उसमें भी बता सकते हैं, मैथ में तो बताना जरूरी होता है उस टॉपिक के बारे में बताने की बात कि किस तरह से हम इसके इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए आपके विषय है कौन सी, भूगोल है या फिर सामाजिक विज्ञान है, तो उसमें से भी आप कोई सा भी टॉपिक ले लो, एक टॉपिक ले लेते हैं और उसके बारे में जो भी जानकारियां होती है वो लिख देते हैं, वो श्यामपट्ट पर लिखते हुए और बच्चों को समझाते हुए साथ साथ, दोनों कार्य साथ साथ करना है, श्यामपट्ट पर भी साथ में ही लिखना है और बच्चों को भी साथ में ही समझाना होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि आप श्यामपट्ट कौशल बना रहे हो ना, तो आप श्यामपट्ट पर जिस समय प्रस्तुत कर रहे हो श्यामपट्ट कौशल, तब आपका कोण 90 डिग्री नहीं रहना चाहिए। 90 डिग्री का मतलब है कि आप श्यामपट्ट पर लिखते हो तो बच्चों की तरफ आपकी पीठ नहीं रहनी चाहिए। अगर बच्चों की तरफ आपकी पीठ रहेगी तो आजकल के बच्चे शैतान तो होते ही है, तो वे बातें करते, लड़ाई करते रहते हैं, या फिर कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पीछे से चोक फेंक देते हैं सर के ऊपर ही, सर को पता ही नहीं रहता कि किसने चोक फेंका है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, या फिर जरूरी होता है एक शिक्षक के लिए कि शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखते समय 45 डिग्री का कोण बनाए, ना कि 90 डिग्री का, जिससे क्या वो श्यामपट्ट पर भी लिख सकेगा और जो बच्चे हैं उन पर भी नजर रहेगी। तो कोण 45 डिग्री का ही बनाना है। इसके बाद आगे बात करें तो श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है, फिर बच्चों से पूछना है कि हाँ बच्चों आगे समझ में, तो बच्चे बोलेंगे हाँ, और नहीं आया तो नहीं, अगर नहीं आया तो वापिस समझा देना है इसमें क्या। इसके बाद श्यामपट्ट कौशल मतलब जो भी श्यामपट्ट पर जो भी समझाने के बाद आपको मिटा देना है उसको, और मिटाने के बाद आपको 2 गोल प्रश्न करने हैं, जैसे जो भी टॉपिक आपने पढ़ाया उससे संबंधित ही 2 गोल प्रश्न करने। जैसे हमने बताया था अभी कार्य के बारे में, कार्य लिया था तो कार्य से ही 2 गोल प्रश्न करने। जैसे पहला क्वेश्चन कर लिया कि कार्य किस प्रकार की राशि है, तो हमने हमने बताया था कि कार्य अदिश राशि है, बच्चे बता देंगे अदिश राशि। फिर बल का सूत्र क्या होता है, तो हमने बल का बताया नहीं था, जबकि इसमें बल का भी आया जिक्र, तो बल का भी बताना चाहिए था। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना जो आपने बताया नहीं, और वो क्वेश्चन पूछे तो वो बच्चे कहाँ से बताएंगे। तो आपने सूत्र बताया था कार्य का, कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन।
तो फिर कार्य का सूत्र क्या है, बल गुणा विस्थापन। और ये फिर बच्चे बता देंगे, जो भी आपने अगर बताया है उसी में से आप क्वेश्चन पूछ रहे, तो बच्चे बताएंगे किसी और है। और इसके बाद ये भी याद रखना है दोस्तों, जो आप श्यामपट पर लिखते हो उसमें अशुद्धि ना हो बिल्कुल, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं उनको कह कह गए गए ये लिखना सिखाते हैं ना, तो वही बच्चे जो हम सिखाते हैं, जो शुरू में जो सिखाते हैं वही बच्चे बाद में लिखते सेम। कई बार देखा है कि किसी बच्चे ने कह लिखा है तो उसका लिखने का तरीका ही अलग है, समझ में नहीं आता कि इसने कह लिखा है या फिर रह लिखा है। तो ये जो अशुद्धियाँ हैं इनका विशेष ध्यान रखना होता है। और एक चीज तो होती है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आप में भरपूर होना चाहिए। जो भी अगर आप छात्र अध्यापक हैं समझा रहे बच्चों में, आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो फिर कॉन्फिडेंस किस में रहेगा। तो कॉन्फिडेंस की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। और एक चीज की बात करें आपकी आवाज की, तो आवाज कक्षा अनुरूप होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आगे के एक दो बच्चों को सुनाई तो दे रहा है लेकिन पीछे के बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा, तो बातें कर रहे हैं कुछ नहीं। तो आवाज कक्षा के अनुरूप होनी चाहिए और कक्षा में अनुशासन होना चाहिए। यही सावधानियां रखनी होती है किसमें, श्यामपट कौशल प्रस्तुत करते समय। तो इस तरह से आपका श्यामपट कौशल पूरा होता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि व्याख्या कौशल किस प्रकार से बनाएं और पूरी माइक्रो टीचिंग के बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करते जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।